पानी की दिक्कत तो गर्मी में हो ही जाता है, नॉर्मली है। अगर इसमें किसी पे उंगली उठाए तो गलत है ये। हमारे आसपास त्रिलोकपुरी की बात करूँ, मेरवा फेज वन सोसाइटी अपार्टमेंट में सभी में गंगा वाटर आता है, लेकिन आज भी इस पूरे गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। अभी क्या इसी चिल्ला के एरिया में रहते हैं? मैं यहाँ 95 से किराए पर रहता हूँ। अच्छा, किराए पर रहते हैं। पानी की दिक्कत क्या अभी भी है? देखिए, पानी की दिक्कत तो गर्मी में हो ही जाता है, नॉर्मली है। अगर इसमें किसी पे उंगली उठाए तो गलत है ये, तो राजनीति में करना नहीं है। गर्मियों में जब डिमांड ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली पानी की कैसी दिक्कत होती है? कितने दिनों के बाद पानी आती है? कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन पानी ना हो घर में? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, पानी आता है, नॉर्मली थोड़ी जद्दोजहद सी मिलती है। जैसे लाइन लगाना पड़ता है या इंतजार करना पड़ता है, जैसे टैंकर नहीं आया इंतजार करना पड़ता है। क्या आज आपने भी इंतजार किया? नहीं, अभी तो मैं जा ही रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। अगर टैंकर आ गया तो मिल जाएगा, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह पे टैंकर तो आ रखे हैं, टैंकर तो आते रहते हैं, बस ये गर्मी में ना है। देखो, मेरा मानना है भैया जी, गर्मी में दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे हमारा ज्वाइंट फैमिली है, हमारे यहाँ ठंडी में क्या होता है, एक बोतल खाली होता है, अब गर्मी में तीन तीन बोतल हो जाता है खाली, तो पानी डिमांड बढ़ती है। नेताओं जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सिर्फ राजनीति है, बाकी कुछ नहीं। उनका काम ही वही है, उनका तो काम वही ना, हमारा काम है पानी ले जाना, बच्चों को पालना, उनका काम राजनीति करना, जनता को बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना, उनका काम यही है। सर, जहाँ तक चिल्ला गांव की बात है तो मेर विहार फेज वन में ये गांव स्थित है और 500 वर्षों पुराना ये गांव है, लेकिन जहाँ तक पानी की बात है तो पानी की समस्या आज भी जो की तो बनी हुई है। हमारे आसपास त्रिलोकपुरी की बात करूं, मेर विहार फेज वन सोसाइटी अपार्टमेंट में सभी में गंगा वाटर आता है, लेकिन आज भी इस पूरे गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। एक दो गलियों में पानी आता है, लेकिन पूरे गांव की अगर मैं बात करूं तो पूरे गांव में पानी आज भी हर घर में नहीं पहुंच पाया है, तो टैंकर व्यवस्था चल रही है। गर्मियों में तो बहुत समस्या होती है सर, कई लोग बिना पानी भरे ही घर चले जाते हैं, सबको पानी नहीं मिल पाता, टैंकर व्यवस्था चल रही है तो टैंकर से तो सभी लोगों को पानी नहीं मिल पाता। लोग पानी प्रॉपर नहीं आता है सर, टूटी से पानी एक या दो गलियों में आता है, और वो भी कई बार गंदा पानी आता है, पीने के लिए उसमें दिक्कत होती है, पीने का पानी आप कई बार उसमें गंदा पानी आ जाता है तो नहाने लायक भी नहीं रहता, पीने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप।